नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलने किरोड़ी लाल मीना पहुंचे हैं। जवाहर सिंह बेडम के सरकारी आवास पर सीधा आपको सुनवाते हैं, लेके चलते हैं वहां पे। दर्ज नहीं है प्रकरण, तो इस प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो, जो भी मेरिट पे तो मिले हैं, बात रखी है, हम निर्वाचित कार्रवाई करें। 8 महीने हो गए तो क्या, क्योंकि ऑटोमेटिक दर्ज हो जाने चाहिए अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं, सारे सब कुछ, एक मंत्री को दूसरे मंत्री के आना पड़ा कि दर्ज करवाने के लिए, क्या ये परस्पर स्वस्थ संवाद है? मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, हम और तीसरे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, उनकी तरह थोड़े ही, वो तो बोलते ही नहीं थे, आपस में टांग खींचते थे। उनका उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के भागना पड़ा, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ थी अपने ही नेताओं के खिलाफ, उनको बिल्कुल गर्मा से निम्न स्तर के बयान उनको जारी करने पड़े। ऐसा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा है, एक दूसरे के यहाँ खाना खाने, चाय पीने, बात करने, नीतियों पर चर्चा करने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी समय समय पर संवाद करके एक दूसरे से मिलकर समस्याओं के समाधान की बात को कहते रहते। ये हमारा परिवार है ना, तो परिवार में चर्चा करके समाधान की ओर बढ़े, ये हमारी परंपरा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक प्रकरण हुआ है, लगातार वहाँ पर उपद्रव मचा हुआ है, क्या किस तरह से कंट्रोल हो रहा है या क्या कारण रहा है? देखिए, जहाजपुर शाहपुरा जिले का है और शाहपुरा जिले के जहाजपुर विधानसभा शाहपुरा कस्बे एक जुलूस, एक बिंदोड़ी जो कहते हैं वो निकल रही थी, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम करना धार्मिक स्वतंत्रता है, सबकी पुलिस का जाब्ता भी था, वो निकल रहे थे, कुछ आता था ही, लोगों ने उन पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस सख्त हो गई, पुलिस ने निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया, कार्रवाइयाँ की हैं और जो उपद्रवी लोग थे उनको हिरासत में लेने का काम किया। अब वहाँ शांति है, शांति व्यवस्था कायम करना हमारा फर्ज है और मैंने भी अपील किया सभी समुदाय से, शांति बनाए रखें, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। सर, वहाँ पर जामा मस्जिद में एक नोटिस दिया गया है मैडम, सर एक नगर पर 24 घंटे का एक नोटिस दिया है कि 24 घंटे में कागजात प्रस्तुत करें। देखिए, प्रशासन को जो भी चीज़ें उचित लगेंगी, जो भी कोई गलत करने वाले लोग होंगे, गलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, अपराधी कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, उससे सख्ती से निपटने का काम हमारी पुलिस करती रहेगी, कर रही है, और जो भी कोई गलत होगा वो गलत व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय प्रशासन गुणावगुण के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई करे, वो स्वतंत्र है। ठीक, ओके। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को सुन रहे थे आप। मंत्री जवाहर सिंह बेडम के सरकारी आवास पर पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीना। कुछ देर पहले पहुंचे थे और तमाम घोटालों की बहुत सी फाइलों को लेकर के उनके पास वो पहुंचे और इन तमाम मामलों की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने बातचीत की है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम के सरकारी आवास पर किरोड़ी लाल मीना की उपस्थिति थी। घोटालों के मामलों की फाइल लेकर वो गृह राज्य मंत्री के पास पहुंचे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG में मौजूद तमाम फाइलें और दर्ज मामलों को लेकर के जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनसे मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीना पहुंचे थे उनके सरकारी आवास पर। दोनों के बीच बातचीत हुई है। अभी आप जवाहर सिंह बेडम को सुन रहे थे, बता रहे थे कि तमाम घोटालों को लेकर के प्रक्रियाओं को तेज करवाएंगे और आश्वस्त किया है कि तमाम कार्रवाइयां की जाएंगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम और SOG में दर्ज कई मामलों की फाइलों को लेकर जवाहर सिंह बेडम से मिलने किरोड़ी लाल मीना पहुंचे थे। घोटाले के मामलों को लेकर गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की है किरोड़ी लाल मीना ने। एंटी करप्शन ब्यूरो और SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास जो मामले दर्ज हैं, जिन पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं का संज्ञान भी लिया उन्होंने और तेजी से कार्रवाई करवाने को लेकर पहुंचे थे गृह राज्य मंत्री के पास किरोड़ी लाल मीना।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के सरकारी आवास पर पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीना। घोटालों के मामलों को लेकर गृह राज्य मंत्री से चर्चा की है उन्होंने। एसीबी और एसओजी में दर्ज कई मामलों की फाइल लेकर वो गृह राज्य मंत्री के पास मिलने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद मीना और बेड़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। भीलवाड़ा में पथराव पर भी गृह राज्य मंत्री का बयान सामने आया है। आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, ये कहना है गृह राज्य मंत्री का। मुबारक खान हमारे संवाददाता हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं। मुबारक, ये मुलाकात किरोड़ी लाल मीना और गृह राज्य मंत्री की, क्या कुछ बातचीत दोनों के बीच हुई है, क्या सामने आया है? बिल्कुल, देखिए किरोड़ी लाल मीना जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर पहले भी कई बार जो विभाग के मंत्री हैं उन्हें अवगत करा चुके हैं। ऐसे में आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से भी उन्होंने मुलाकात की और पूर्ववर्ती सरकार के समय चाहे DOIT का मामला हो या दूसरे कई सारे ऐसे प्रकरण जिनमें कई जो निजी फर्में थी उन्होंने घोटाले कर काम लिया और काम लेने के बाद भुगतान वहाँ से उठाया, इस तरह के कई घोटालों का उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे वो उदयपुर का हो, जोधपुर का हो, जयपुर का हो, ऐसे कई सारे मामले जिनको आज किरोड़ी लाल मीना ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के सामने रखे और उन्हें उन सभी मामलों से अवगत कराया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ये घोटाले हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी उन्होंने उठाए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय इनमें जो है FIR दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इन सभी मामलों की FIR दर्ज करवा जांच करवाने की बात उन्होंने कही। उसके उसी के साथ साथ जवाहर सिंह बेड़म है, उन्होंने कहा कि जिस तरह किरोड़ी जी ने सभी मामलों के बारे में उन्हें जानकारी दी है और उन्होंने DG से इस मामले में बातचीत भी की और जैसे भी होगा इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से हम जांच करवाएंगे। जी बिल्कुल मुबारक, और लगातार किरोड़ी लाल मीना तमाम इस तरह की गतिविधियां उनकी जारी रहती हैं और उनकी छवि भी इस तरह की है कि तमाम जिस तरह से आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के हमेशा अपनी बात रखते हैं, लेकिन भीलवाड़ा में भी जो घटना घटी मुबारक उसको लेकर के भी गृह राज्य मंत्री ने अपना बयान दिया है और कहा है कि तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी, कुछ अपडेट उस मामले को लेकर के भी? जो जहाजपुर में जो घटना हुई, जो शोभा यात्रा पर पथराव की बात सामने आई, उस मामले में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की हम जांच करवा रहे हैं, आसपास के तमाम जो CCTV फुटेज है पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, वहां पे पुलिस का जाब्ता तैनात है और किसी भी जाति धर्म या समुदाय का अगर व्यक्ति होता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कानून की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुबारक खान।